हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गोदरेज के डबल डोर रेफ्रिजरेटर की, जो कि ईओन क्रिस्टल सीरीज के अंदर रहेगा और 244 लीटर के अंदर रहेगा, जो कि 2023 का मॉडल और रहेगा। अगर कोई प्लान कर रहे हैं आप रेफ्रिजरेटर लेने का, तो रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। अगर आप देख रहे हैं कोई 20 से 25 हज़ार रुपये की रेंज में रेफ्रिजरेटर, तो ये जो रेफ्रिजरेटर जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसकी क्वालिटी और लुकिंग काफ़ी डिफरेंट रहेगी अदर रेफ्रिजरेटर से। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस रेफ्रिजरेटर के फीचर्स आपको बता पाऊँ। अगर आप लुकिंग देख रहे हैं तो लुकिंग बहुत प्रीमियम मिलेगी इसके अंदर आपको, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गोदरेज का जो नया वाला मॉडल आया है ईओन क्रिस्टल सीरीज के अंदर, जो कि लुकिंग में काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा आपको। ये टफन गिलास के अंदर आएगा, ये प्योरली टफन गिलास के अंदर रहेगा, और जो कि अनब्रेकेबल ये ग्लास रहता है दोस्तों। अगर हम इसमें कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कंपनी इसके अंदर ये जो नया वाला मॉडल इन्होंने दिया है, ये आरटी ईओन क्रिस्टल 280B, इसमें ना दो मॉडल मिलेंगे आपको, एक 280B और एक 310 करके मॉडल आ जाएगा, जिनकी कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो 244 लीटर के अंदर मिल जाएगा आपको दोस्तों लीटर। और साथ में एक मॉडल और आता है इनका सेम लुक के साथ में, 272 लीटर के अंदर आपको। तो दो मॉडल आ जाएंगे सेम लुक के अंदर, सेम 2023 के अंदर ये मॉडल रहेंगे दोस्तों। अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें फार्म फ्रेशनेस की फ्रिज के अंदर हम बात करते हैं, तो देखो कूलिंग चाहिए होती है हमें, दूसरा हमें फ्रेशनेस, यानी कि जो भी हम इसके अंदर आइटम रख रहे हैं हमारे आइटम की फ्रेशनेस बरकरार रहे, यानी कि हमारा नेचुरल जो भी हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, हम सब्जी ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, तो हमारी फ्रेशनेस रहे लॉन्ग टाइम तक। तो ये जो फ्रिज है ये लिख के दे रहे हैं कि 30 दिन की फार्म फ्रेशनेस रहेगी। उसकी कई वजह होती है कि फ्रेश किस तरीके से आइटम रहेगा। तो सबसे पहले हम अगर इसमें बात करते हैं, तो ये कूल शावर टेक्नोलॉजी के साथ में आपको देते हैं, यानी कि कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी। कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि इसकी पफ थिकनेस, यानी कि इंसोलेशन जो होती है इसकी 2.75 इंचेस की पफ थिकनेस है इसके अंदर, जो कि कूलिंग रिटेंशन रखती है 24 घंटे तक इसके अंदर दोस्तों। साथ में अगर हम देखते हैं तो ये आपको जो मिल जाता है, आपको ये हनीकॉम क्रिस्पर के साथ में मिल जाता है। जो हनीकॉम क्रिस्पर का जो बेनिफिट होता है, ये काम कैसे करता है, हम हरी सब्जियां जैसे मार्केट से परचेज करके लाते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर मॉइस्चर्स होते हैं, तो मॉइस्चर कंट्रोल करता है, पानी को ना होल्ड कर लेता है। जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो जो शहद को जकड़ के रखता है, सेम वैसे ये भी पानी को ना जकड़ के रखता है, पानी को नीचे गिरने नहीं देता है। तो इसकी वजह से हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी लाइफ काफी अच्छी हो जाती है। तो अगर हम कोई भी आइटम इसके अंदर रख रहे हैं, तो उसकी जो फ्रेशनेस बरकरार रखता है ये फ्रिज, तो इस तरीके से इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये कूल शावर टेक्नोलॉजी दी हुई है कंपनी ने। इसमें नंबर ऑफ वेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो हर सेक्शन में आपको 360 कूलिंग मिल जाएगी इसके अंदर दोस्तों, जो कि हर जगह कोने कोने में कूलिंग पहुंच जाएगी इसके अंदर। अगर हम और भी देखते हैं, तो ये नैनो सील टेक्नोलॉजी के साथ में मिलेगा। जो नैनो सील टेक्नोलॉजी है वो गोदरेज की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। ये 95% प्लस तक आपके जो फूड है, वेजिटेबल्स हैं, उसको डिसइंफेक्ट करती है बैक्टीरिया वायरस वगैरह से, और ये पेटेंट है गोदरेज की दोस्तों। और भी अगर हम इसमें देखते हैं, तो डोर की अगर हम बात करते हैं, तो डोर में स्पेस भी इस वाले फ्रिज के अंदर काफी अच्छा दे दिया है। आप 2.5 लीटर की बॉटल इसके अंदर रख सकते हैं, एग ट्रे मिल जाएगी इसके अंदर। साथ में एक अगर हम फ्रीजर सेक्शन की इसमें बात करते हैं, तो गोदरेज के फ्रिज के अंदर सबसे बड़ी जो बेस्ट जो चीज देखने में मिलेगी आपको अदर ब्रांड से, वो ये मिलती है कि हम जो लोग यूज करते हैं ज्यादातर फ्रिज, तो हमारा जो स्पेस यूज होता है नीचे के फ्रिज सेक्शन का, ज्यादातर हम स्पेस यूज करते हैं, फ्रीजर सेक्शन हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं। तो ये लोग इन्होंने ना इंडिया के कल्चर के हिसाब से फ्रिज डिजाइन किए हुए हैं। सभी जो फ्रिज होते हैं अदर जो कंपनी होती है, वो 60-40 का रेशियो यूज करती है, यानी कि 40% ऊपर और 60% नीचे, और ऊपर का सेक्शन हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं, तो ऊपर का सेक्शन हम लोग यूज नहीं कर पाते, हमारे लिए वेस्ट होता है। तो गोदरेज ने इसी चीज का ख्याल रखते हुए सारे फ्रिज अपने 70-30 के रेशियो में बनाते हैं, यानी कि 70% हमारा नीचे का सेक्शन आ जाता है और 30% ऊपर का सेक्शन आ जाता है, तो हमारे यूजफुल रहता है ये आइटम। बाकी अगर हम ऊपर की बात करते हैं, फ्रीजर सेक्शन एक तो हमारा छोटा ही है, साथ में इनका जो इन्होंने जो आइस आइस मेकिंग वाला बॉक्स दिया हुआ है, वो रिमूवेबल है, आप उसे फोर साइड कहीं भी आप रख सकते हैं। साथ में हमारे घर में बड़ी पार्टियां वगैरह होती हैं, या हमें केक वगैरह हम लेके आते हैं, तो इजीली आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो इन्होंने इसके फ्रिज का भी काफी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है अगर आप देखेंगे दोस्तों। बाकी साथ में अगर इसमें हम देखते हैं, तो इसके अंदर आपको मूवेबल आइस ट्री के साथ साथ LED लाइट मिल जाएगी, जो कि काफी बड़े साइज के अंदर है। आप देखेंगे प्रिज्म लाइट आ जाएगी,
जो कि काफी बड़े साइज के अंदर है। जैसे नाइट में भी हम इसको ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं एक बार बताओ, बाकी जब हम ओपन करेंगे तो हर जगह इसमें लाइट आ जाएगी। बाकी डियोडाइजर के साथ में मिल जाएगा, यानी कि जो बैड ओडोर्स होती हैं, हम कई तरह की इसमें आइटम रखते हैं तो उनकी मिक्सिंग नहीं होगी इसके अंदर, उनकी स्मेल मिक्सिंग नहीं होगी। बाकी हम देखते हैं तो इसके वेजिटेबल बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो वेजिटेबल बॉक्स इसमें काफी बड़ा दिया हुआ है, ये 27 लीटर का मिलेगा आपको इसके अंदर। तो काफी मतलब इसमें जो भी हम फ्रूट या वेजिटेबल जो भी लेंगे तो बहुत सारी स्टोरेज इसके अंदर मिल जाएगी आपको, अलग से कोई बाहर रखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। साथ में और साथ में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको सेफ वही मिल जाएगी आपको इसके अंदर भी, ये एंटीबैक्टीरियल गैसकेट के साथ में मिलेगी आपको, जो की रिमूवेबल रहेगी, रिमूव करके आप यूज भी कर सकते हैं। और जो ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे बढ़ते हैं वो इसी के थ्रू हमारे यहाँ से एंटर करते हैं और यहीं आपके एंटर नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गैसकेट दे दी है इसके अंदर। साथ में अगर हम देखते हैं इसमें कंप्रेसर की बात करते हैं तो ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आपको कंप्रेसर मिल जाएगा, जो कि लाइट भी बहुत कम कंज्यूम करता है और आपके होम इन्वर्टर पे भी ये रन हो जाएगा, और ये विदाउट स्टेबलाइजर वर्क करता है दोस्तों। तो फ्रिज काफी अच्छा है लुकिंग में, अगर आप देखेंगे तो फ्रिज काफी लुकिंग के अंदर काफी बढ़िया बनाया हुआ है कंपनी ने। अगर आप देख रहे हैं इस रेंज के अंदर फ्रिज या कोई लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया फ्रिज दिया है कंपनी ने अभी, तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने भी इसकी अनबॉक्सिंग आज ही करी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ये फ्रिज काफी अच्छा रहेगा।